देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक लड़का है रोहित आपकी तरह, ठीक है, जैसे रोहित गया मार्केट, ठीक है, ही बॉट अ पेंसिल फॉर 3 2x5। तो रोहित बॉट पेंसिल फॉर कितने रुपए की लाया, 3 2x5 रुपीज, ठीक है, इधर साइन लगा दो ये रुपीज का, ठीक है, क्लियर है। देन फिर और क्या लाया, कॉस्ट प्राइस ऑफ इरेजर, फिर एक लाया इरेजर, तो इरेजर की कीमत कितनी थी, दैट कॉस्टेड हिम रुपीज 2 7x10 रुपीज, ठीक है, पेंसिल इतने की लाया, इरेजर इतने की लाया। अब पूछा जा रहा है कि दोनों आइटम का कितने पैसे बने, ठीक है, तो आप लिखोगे टोटल कॉस्ट प्राइस कितने का पड़ा उसे। हम क्या करेंगे, अगर सपोज आप 3 रुपीज की पेंसिल लाए और 2 रुपीज की इरेजर लाए तो टोटल कितना पड़ा, 3 + 2। सेम वैसे ही करेंगे, इसमें इसको ऐड कर दीजिए आप। अब मसला है कि कैसे ऐड करेंगे, ठीक है, तो देखो 3 5 15 + 2 16 17, तो ये बन जाएगा 17/5, ठीक है। चलो ये फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, इसको इम्प्रॉपर में करो, 2 10 20 + 7, तो ये जाएगा 27/10, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, 5 ये है और यहाँ पे एलसीएम है 10, ठीक है, तो अगर मुझे इन दोनों को 10 10 बनाना है, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, अगर हम एक ही डिजिट से मल्टीप्लाई करते, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, ताकि दोनों तरफ हमें 10 मिल जाए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 34/10, ये हो जाएगा 27/10, ठीक है। अब क्या करोगे, 10 लिखो, इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 1 1 3 4 5 6 61/10, ठीक। अब ये क्योंकि जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में करो, तो 3 10 into 6 कितना होता है, 60, कितना बचा 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 6 1/10 रुपीज, ठीक है, रुपीज का यहाँ पे साइन लगा दो, राइट। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।